बिहार में राज्यसभा चुनावों के लिए 5 नाम सामने आए हैं, लेकिन इन 5 नामों में फिलहाल जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है अमरेंद्रधारी सिंह का। आरजेडी की तरफ से प्रेमचंद गुप्ता के साथ अमरेंद्रधारी सिंह ने अपना नामांकन भरा है, लेकिन सबकी नजरें अमरेंद्रधारी सिंह पर ही है क्योंकि वो आरजेडी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, फिर भी उन्हें आरजेडी ने राज्यसभा का टिकट दे दिया है। ये काफी चौंकाने वाली बात है। कल तक यही कयास लगाए जा रहे थे कि आरजेडी फैजल अली को उच्च सदन भेजेगी, लेकिन जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की तो उसमें फैजल अली की जगह अमरेंद्रधारी सिंह का नाम था। राज्यसभा चुनाव के लिए अमरेंद्रधारी सिंह का नाम इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि इस नाम से कोई परिचित नहीं था, यहाँ तक कि पार्टी के कई नेता भी इस नाम को नहीं जानते थे। ऐसे में जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से पूछा गया तो उन्होंने अमरेंद्रधारी सिंह का परिचय कराते हुए बताया कि वो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और सोशल वर्कर भी हैं। अमरेंद्रधारी सिंह मूल रूप से पटना जिले के विक्रम इलाके के रहने वाले हैं। सर, अमरेंद्रधारी सिंह जो हैं आरजेडी की सदस्यता कब लिए थे? ये एक सोशल वर्कर हैं हमारे, और हर व्यक्ति आप सबों के सामने तो हमेशा पूरी पार्टी के लोग आ नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे समर्थक सोशल वर्कर समाज में काफ़ी प्रतिष्ठित, और राज्यसभा में हम सबों की तरफ से जो बिहार की हमारी नीतियां उसके लिए उठाने में सक्षम पढ़े लिखे। ये आप पाली विक्रम देख रहे हैं ना, यही के रहने वाले हैं, हैं? जब हमने आरजेडी से अमरेंद्रधारी सिंह के बारे में और कुछ जानने की कोशिश की तो पता चला वो भूमियार जाति से आते हैं और इस तरह आरजेडी सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देना चाहती है। ये समाज सेवा में इनका योगदान है, पार्टी में हमारी पार्टी में इनका योगदान है, और हम लोगों ने जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि लोग बदनाम करते थे हमारे विरोधी हमारी पार्टी को कि MY की पार्टी है, वो सारे चीज़ों को हम लोगों ने कहा था कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। ये किस जाति? ये भूमिहार जाति से हैं, सभी जाति का सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, उसको प्रतिनिधित्व देते हैं, यही ना आदरणीय लालू प्रसाद जी का सामाजिक न्याय है। अब तो हमारे विरोधियों को दर्द हो रहा है, तो इसीलिए इसमें कहीं चौंकाने वाला नाम कुछ नहीं है। खबरों के मुताबिक अमरेंद्रधारी सिंह का रियल एस्टेट और केमिकल सेक्टर में बड़ा कारोबार बताया जा रहा है। इसके साथ ही बिहार के पूर्व DGP अभयानंद के वो बेहद करीबी माने जाते हैं। अभयानंद की तरफ से चलाए जाने वाले सुपर 30 को भी अमरेंद्रधारी सिंह ने ही फाइनेंस किया था। पटना से सुजीत कुमार झा की रिपोर्ट, बिहार तक।